गोपी से एक बार, गोपी अगर आवाज आ रही हो तो कोई और अपडेट। हॉस्पिटल बाजू गया है, चल। पुलिस ने देखिए मीडिया की गाड़ियों को पीछे आने से रोका, जैसी जानकारी गोपी दे रही थी। गोपी यानी आपकी गाड़ी को रोक दिया गया पीछे ही? चल ओके। तो गोपी से एक बार फिर से संपर्क करेंगे, क्योंकि गोपी पूरी कोशिश कर रही है वो तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन पुलिस ने अपनी रणनीति के तहत मीडिया को अलग किया है उस जगह से जहां से वो ले जाना चाह रहे हैं अतीक को। यूपी पुलिस ने मीडिया की गाड़ियों का रास्ता जो है वो रोका है, और फिलहाल जो है इस वक्त अतीक को लेकर ये टीम निकल चुकी है। 40 से ज्यादा टीम में पुलिस के जवान अधिकारी मौजूद हैं। यूपी पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि अवैध ठेका, टेंडर और अपराध का धंधा बंद होने से हर साल अतीक अहमद गैंग को 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। यानी पूरी बेल्ट, पूरी चेन तोड़ने की कोशिश यहां पर पुलिस ने की। पूरा परिवार जो है वो शिकंजे में है। बीबी पर, जैसा हमने आपको बताया, 3 बेटे अली पर 4, उमर पर 1, और अब बेटे असद पर 2.5 लाख का इनाम है। गोपी, मीडिया की गाड़ी रोक दी गई? देखिए अर्पिता, मीडिया की जो गाड़ी है उसको रोक दिया गया, यहाँ तक कि सारे जो मीडिया उसको फॉलो कर रहे थे उन सबको रोक दिया गया, और सिर्फ वो वैन जो है जिसमें अतीक अहमद बंद है उसको लेकर निकली है। फिलहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो रास्ता हम पकड़ पाए जहां से अतीक अहमद को लेकर जो यूपी पुलिस की टीम है वो रवाना हुई है। कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हम उसको पकड़ पाए, क्योंकि पूरी तरीके से एक रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया पुलिस के जरिए, और अब जो है यूपी पुलिस वहां से कौन से रास्ते, क्योंकि देखिए दो रास्ते जाते हैं, एक उदयपुर का रास्ता जाता है और एक सीधा जाता है मध्य प्रदेश का रास्ता, तो कौन से रास्ते लेके जा रहे हैं। लगातार हमारी जो कोशिश है वो बनी हुई है कि हम उसको आइडिया ढूंढ पाए। पुलिस निकली थी, बिल्कुल। तो देखिए वो फिलहाल एयरपोर्ट के रास्ते गए हैं, इस तरीके से यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि एयरपोर्ट के रास्ते वो निकले हैं। कोशिश करते हैं कि पकड़ पाए उनको, लगातार हमारी यही कोशिश है कि पल पल की जानकारी हम हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको दे पाए। लेकिन यूपी पुलिस जो है, गुजरात पुलिस की लगातार ये कोशिश कर रही है कि मीडिया उनको फॉलो ना कर पाए। हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को पल पल की जानकारी दे पाए। बिल्कुल, और पल पल की जानकारी गोपी आप हम तक पहुंचाइएगा। ये दो तस्वीरें भी इस वक्त महत्वपूर्ण, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब साबरमती जेल से अतीक को ले जाया जा रहा था, और अतीक की तस्वीर भी आप उसमें देख पा रहे हैं जब वो जेल से निकला और वैन में बैठा है। 2 वैन लगाई गई हैं और उसी वैन में बिठाकर अलग रूट से ले जाया जा रहा है। एक वक्त लंबा लगेगा, इसलिए पूरी निगरानी चप्पे चप्पे पर, किस तरीके से रूट रहना है वो सब गोपनीय रखकर पूरे इंतजाम पुलिस के चाक चौबंद वहां पर किए गए हैं। लेकिन ये भी खबर देखिए दिलचस्प है कि अतीक अहमद के कब्जे से अब तक करीब 1100 करोड़ 45 लाख 42 हजार रुपए की संपत्ति उसकी जब्त की जा चुकी है। पुलिस लगातार एक्शन कर रही है पूरे परिवार पर, संपत्ति कुर्क की जा रही है। पत्नी शायस्ता परवीन से गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। उसके भाई अशरफ से करीब 27 करोड़ की जो संपत्ति है वो जब्त की जा चुकी है। हालांकि माफिया अतीक पर वक्त वक्त पर सियासी कृपा भी बरसी, 3 बार शासन के जरिए उस पर गैंगस्टर एक्ट का मामला वापस भी लिया गया। एक समय आपको जिस तरीके से बता रहे उसकी टूटी बजा करती थी, लेकिन आज कुछ स्थिति ये है कि पूरा परिवार जो है वो भागता हुआ नजर आ रहा है।